स्टूडेंट्स, अब हम एमडी कैट के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इंपॉर्टेंस को हम तीन ग्रुप्स में स्टडी कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक हम कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक हम कर लेते हैं जी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। अच्छा, फेडरल के अंदर इसको जेनेटिकली इंपॉर्टेंस में भी लिखा हुआ है, जेनेटिकली या ऐसे करने के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भी मेंशन किया हुआ है। अब इकोलॉजिकल का मतलब है इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरिया बनाते हैं ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, डेड डीकंपोज्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ह्यूमस आगे क्या करता है, इंक्रीज फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करते हैं कौन, बैक्टीरिया, और इस तरह से सॉइल के अंदर वाटर रिटेंशन, पानी रहता है, ठीक है जी, तो वाटर रिटेंशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया है, राइजोबियम वो रूट नेड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या है, डीकंपोजिशन का काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं किस चीज को, मिनरल्स को, तो सॉइल में मिनरल्स रिसाइकल होते हैं ताकि एक जो फ्लो है वो चलता रहता है। नाइट्रोसोमोनास का अपना रोल है, नाइट्रोबैक्टर का अपना रोल है, तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो इकोसिस्टम के अंदर अहम रोल प्ले कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, यानी कि नाइट्रेट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम इस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। अब ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जो साइनोबैक्टीरिया हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट कर सकते हैं, और इसे ही जो साइनोबैक्टीरिया, दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में चलें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बैक्टीरिया मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं। मसलन हम बैक्टीरिया से डाइजेशन का प्रोसेस करवा रहे हैं जिससे बैक्टीरिया वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इवन के बैक्टीरिया से विटामिंस भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, वेनेगर प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये सारी कौन सी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। हम बैक्टीरिया को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, फर्मेंटेशन में, तो हम इसको फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, वहां ब्रेड बनाने में रोल प्ले करते हैं कौन, बैक्टीरिया। अच्छा, अब गांव के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस करवाई जाती है बैक्टीरिया से, ठीक है जी, फैक्ट्री में मेंशन किया हुआ, बायोगैस बनाते हैं, उस बायोगैस में 54-70% तक क्या होती है, मीथेन होती है, जो हम बायोगैस नेचुरल गैस होती है उसमें 80% तक मीथेन होती है। तो ये डिफरेंट जो इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की। इसके अलावा बैक्टीरिया को मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में लिखा गया है कि तकरीबन 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की नाउन है जो क्या काजेज है, जो क्या काज करती है, डिजीज काजिंग है, तो 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नाउन दैट एक्चुअली काजिंग डिजीज इन ह्यूमंस। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में हम इनसे क्या हासिल कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब इतनी स्पीशीज का हमें पता चल गया कि वो डिजीज काजिंग है, इसका मतलब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इतनी को 200 स्पीशीज को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज से बच जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा अदर ड्रग्स भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं, हार्मोन्स प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इनको, इनसे हार्मोन प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, सिंगल सेल प्रोटीन करवा रहे हैं। तो जेनेटिक रिसर्च में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक रिसर्च में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं कि बैक्टीरियल जो जीनोम है वो नाउन है, तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके इनको जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपका यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वॉइस मैसेज करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।